चलिए दोस्तों, ये हमारा पार्ट टू है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा था पार्ट वन में बेसिक्स, अब पार्ट टू में पढ़ेंगे प्रतिशत। नोट, प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप है हमारा, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम हो गया है, तो बताइए उसे कितना परसेंट अधिक में बेचा जाए कि वृद्धि में कमियां हो, है ना। क्या बोल रहा है, एक पुस्तक में अंकित मूल्य 20% कमी हो रही है, तो बताइए कि उसे कितना परसेंट अधिक में बेचा जाए। अभी पढ़े ना फर्स्ट पार्ट में फार्मूला, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है तो कितना परसेंट अधिक में बेचा जाएगा। तो हम फार्मूला से बनाते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य 20% की कमी है, तब फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला कमी है कुल कमी है ना गुणित 100/100 माइनस कमी। सीधी सी बात, 20% कम है, 20% कम है गुना 100/100 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 20 × 100/80। 20 से कम 20 = 80, 4 = 25, 25% की कमी हो रही है। या इसको और एक तरफ से लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम बना सकते हैं शॉर्टकट, है ना। जैसे कि अब इसको देखें, 20% कमी हो रही है और अधिक में बेचा जा रहा है, यानी कि कम परसेंट से अधिक की ओर, अधिक की ओर बेचा जाए, यानी कि कम से अधिक की ओर बेचा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट, परसेंट में कितना परसेंट कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है डायरेक्ट। अब 20 में क्या आएगा, 100% में 80, 80 × 100 ऐसे लिख सकते हैं। 20 से कम 20 = 80, यहाँ से इसको काटेंगे, 25% की कमी। एक क्वेश्चन में देखते हैं डायरेक्ट 100, है ना। जैसे चीनी का मूल्य 10% कम है, उसे कितने में बेचे कि अधिक हो जाए, लाभ या हानि ज्ञात करना है। क्या बोल रहे, चीनी का मूल्य कितने परसेंट कम है, 10%। अभी बनाया ना ये पार्ट में, 10% कम है, कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए, है ना। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 10% की कमी हो रही है, मतलब 100 - -90 × 100। तो क्या कितना परसेंट गुणित 10/ यहाँ से कितने, सॉरी यहाँ 10 आएगा, है 10% की कमी की जा रही है, 90 × 100। ये और ये 0 कट गया, तो क्या बचा, 1/9 × 100। तो 9 से इसको काटेंगे तो क्या होगा, 9 × 11 = 99, अब 100, तो 11 सहित 1/9, 80% की कमी होगी। अगला टॉपिक देखते हैं, वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक, वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है। क्या पूछा जा रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम होगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, अधिक से x% अधिक से y% कम हो रहा है, कम की ओर जा रहा है ना। तो अभी बनाया ना फार्मूला, कितना परसेंट अधिक, 20%, तो वृद्धि कुल वृद्धि बराबर हो जाएगा वृद्धि गुणित 100/100 प्लस वृद्धि। ये हमारा फार्मूला है, 20% की वृद्धि हो रही है, 20 लिखें इंटू 100 + 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 100/ इसको जोड़ देंगे, 120 हो गया।
इसको काट देते हैं यहीं से, 2 से 2 का 2 छक्का 12, या फिर इसको ऐसे काट सकते हैं, देखते हैं यहाँ से, 20 × 100/120, 20 × 5 = 120, ऐसे काट सकते हैं। इसको फिर काट सकते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 10 = 20, इसको यह कहें 50/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 से इसको काटेंगे कितना कितना बार में जाएगा, 16 बार में, तो 16 × 2/3 की वृद्धि होगी। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, अब देखते हैं वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। जैसे कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर बोल रहा है वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है ना। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ रही, मतलब पहला परसेंट, अब एक दूसरा परसेंट, तब फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फार्मूला है एक बेस से फिर शॉर्टकट बनाएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति की आय में 10% बढ़ रही है, फिर 20% बढ़ रही है, मतलब पहला परसेंट ये दूसरा परसेंट, यहाँ लिखेंगे पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट गुना दूसरा परसेंट बटे 100। पहला परसेंट हमारा क्या है, 10% बढ़ रहा है, दूसरा परसेंट 20% बढ़ रहा है, फिर यहाँ पहला परसेंट गुना दूसरा परसेंट बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 30 प्लस, इसको यहाँ से काट देते हैं, 20 × 5 = 5, 5 × 5 = 10, यहाँ कितना होगी 2 = 32% की वृद्धि हो गई। शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं, शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, सीधा पर एक व्यक्ति क्या 1% बढ़ रही है, फिर 20% बढ़ रही है, इसको ऐसे लिख दो, 10% बढ़ रही है, फिर 20% बढ़ रही है, 10 × 20/100 यह हो गया 30, इधर इसको काट दो 20 × 5 = 100, इधर इसको 5 से काट दो, 5 × 2 = 10 = 32% की वृद्धि होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको अच्छा समझ आ जाएगा। मोहन अपना व्यय 15% घटाया, कुछ दिनों बाद 5% घटाया, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की कमी हुई, क्या पूछा जा रहा है। मोहन अपने व्यय के कितने परसेंट घटा रहा है, 5% घटा रहा है, मतलब 5% की हानि हो रही है, कुछ दिनों बाद 5% फिर घटाया, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की कमी हुई है, ये हमको निकालना है। बस फार्मूला वही है, पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला परसेंट प्लस गुणित दूसरा परसेंट बटे 100। तो हम डायरेक्ट इसको हल करते हैं, मोहन अपना व्यय कितना परसेंट घटा रहा है, 15% की कमी हो रही है, तो यहाँ -15% की कमी हो गई, कुछ दिनों बाद 5% घटा रहा है, फिर 5% घटा लिए, प्लस -15 × -5/100, तो अब क्या लिखते हैं इसको, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस कितना है 20, प्लस माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये 20 हो गया, 5 × 20, 5 × 15, 3/4, इसको और सॉल्व करते हैं, 4 × 8 मतलब 80, 80 + 3/4, ये लघुत्तम है। अब इसे कितने घटा देते हैं, माइनस प्लस का माइनस घट जाएगा, कितना हो जाएगा फिर, अब 80 + 3 इसको घटाते हैं कितना आ जाएगा, 77/4, अब इसको यहाँ से काटते हैं, 4 × 4, फिर इसको काटेंगे तो बचेगा 3 बचेगा, या 39/19.25 कमी हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इस प्रकार का जो एग्जाम में आ सकता है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो एग्जाम में आ सकता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन।
एक दुकानदार खरीदते समय 15% ठग रहा है, मतलब कोई एक सामान खरीद रहा है उसको 15% भी ठग रहा है ना, फिर वो 5% घाटा हो जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कोई एक व्यक्ति है जो सामान खरीदते समय 15% के उसको ठग दिया है यहाँ से, फिर उसे 5% घाटा हो रहा है, मतलब 5% की हानि हो रही है। तो हमें वृद्धि और कमी दोनों निकालना है। क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 15% ठग रहा है, मतलब लाभ है, 15% की लाभ कमा रहा है ना। तो यहाँ 15 हो गया, अब कितना परसेंट घाटा कर रहा है, 5% घाटा खा रहा है, प्लस 15 × -5/100। ये फार्मूला से बढ़ रहा है ना, फार्मूला है हमारा, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स क्रॉस वाई इंटू सब, ये फार्मूला बनेगा। अब 15 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10, फिर इससे काटेंगे 5 से, 20 माइनस में है ना ये, फिर इसे काटेंगे 5 × 5 = 3 माइनस है 3/4, इसको क्या लिख सकते हैं हमें, 10 − 3/4, लघुत्तम कितना आएगा यहाँ हमारा 4 है ना। अब इस 10 × 40 है 43, 40 में 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तब इसका लघुत्तम 4 आएगा, इसको इससे गुना कर देते हैं, 10 × 40 − 3 = कितना आ जाएगा, 37/4। अब इसको काट देते हैं, 4 × 36.1 बच रहा है तो उसको 10 हो जाएगा, 4.25 क्या है, 9.25% की क्या है आंसर।